हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम में। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन होता है, बोलते हैं कि मेरा नंबर बढ़ नहीं रहा है, जब सेट मारते हैं तो नंबर मेरा बढ़ ही नहीं रहा है, तो मेरा रिजल्ट कैसे होगा। तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आ गए हैं, जिससे आपको जितना भी नंबर आता है उससे कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं और जिनका नौकरी लेने का सपना है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, लास्ट तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या इस पे गहराई है और कैसे नंबर बढ़ेगा। तो न्यू स्टूडेंट होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे हमेशा इसी तरह का वीडियो को अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए और आप इसको इम्प्रूव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आप सबसे बातें करते हैं और आपको समझाते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं पहला नंबर, कि जब आप सेट मारने के लिए शुरू करते हैं तो आपका कम नंबर आता है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। पहला नंबर यही है कि आपका अगर सेट में कम नंबर आया, पहला बार सेट मारे तो आपका नंबर कम आया, तो आप उसमें डिमोटिवेट मत होइए। दूसरा ये बात है कि अगर आप सेट मारे हैं तो आपका नंबर कम आया है तो उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जब सेट मारते हैं तो आप उस क्वेश्चन को देखिए जो गलती हुआ है। आप ये क्वेश्चन को मत देखिए कि मतलब कि मान लीजिए आपको 50 नंबर आया तो 50 में से आपको पूरा 50 को नहीं देखना है जो गलत हुआ है, मतलब जो छूटा है, आपको 50 में से जो गलत, मतलब 50 नंबर आपका सही हुआ है और 50 में से मान लीजिए कि 20 नंबर आपका गलत हुआ है, तो उस क्वेश्चन पर फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ उसी को क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्योंकि आप उसको बना सकते हैं। अगर उसको बना लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नंबर बढ़ेगा। इसका पॉइंट ये बताना चाहते हैं, ट्रिक ये बताना चाहते हैं कि अगर नंबर बढ़ाना है तो पहला नंबर तो यही है कि अगर गलत हो रहा है क्वेश्चन तो आप उसको सॉल्व कीजिए। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन सेट मारिए, क्योंकि अगर ऑफलाइन सेट मारेंगे तो आपको सॉल्यूशन बहुत कम मिलेगा, इन्फॉर्मेशन कम मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन सेट मारते हैं तो आपको वहां पे आप सॉल्यूशन तुरंत देख सकते हैं और उसका इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, और एक क्वेश्चन का टोटल इन्फॉर्मेशन दिया होता है, उससे रिलेटेड भी जिस तरह से दिया जाता है सॉल्यूशन, सारा का सारा उसमें सॉल्यूशन दिया जाता है। तो वहां पर आप पढ़ करके अपने आप को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे आपका नंबर बढ़ सकता है। दूसरी बात ये करना चाहते हैं कि और क्या तरीका है जिससे आपका नंबर बढ़ जाए, तो आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको नंबर बढ़ाना है तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपका नंबर बढ़ेगा, कंफर्म बनेगा। पहला नंबर ये बात करना चाहते हैं कि जब आप सेट मारते हैं तो आप सेट मारने का तरीका क्या है। अगर आप सेट मारते हैं, सेट मारने में सारा स्टूडेंट 100% स्टूडेंट की बात करते हैं कि सारा का सारा स्टूडेंट जो है सो तुक्का मारते हैं, ये एकदम कन्फर्म है। तो आपको भी तुक्का सही से मारना है, तुक्का मारने का तरीका बताएंगे जिससे आपका 10 से 15 नंबर तो जरूर सही हो जाएगा। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप सेट मारते हैं तो पहला नंबर तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना आता है, जो आपको आता है जितना सही आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि 100 में से 50 सही कर देते हैं, एकदम कन्फर्म है, आपको पूरा विश्वास है आपका 100 नंबर में से 50 नंबर सही हो जा रहा है। तो दूसरा स्टेप ये है कि आपको बचा 50 नंबर में से आपको कन्फ्यूजन है 20 नंबर का, तो कन्फ्यूजन वाला भी आप डिसाइड कर लीजिए कि मतलब कि ए बी सी डी चार को ऑप्शन है, उसमें से ये तो पता है कि बी और सी कन्फर्म है कि ये आंसर होगा, लेकिन आपको बी सी में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। या तो आप बी मारिए या तो सी मारिए, और ये बी और सी कब मारना है इसके बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आप बी सिर्फ मार रहे हैं तो आप आगे का क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा बी क्लिक कीजिए, मतलब मेजोरिटी आप दीजिए कि बी को हम ज़्यादा सही कर रहे हैं, और बी को ज़्यादा सही करिएगा तो जितना भी 20 नंबर जो है आपका, उसमें से अगर 5 से 7 नंबर भी बी ऑप्शन है तो आपको कन्फर्म सही हो जाएगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि आपको 5 से 7 नंबर बढ़ गया 20 नंबर में ही। बचा 30 नंबर की बात करें तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको बी मारना है कि सी मारना है। अगर आप बी मार रहे हैं तो टोटल 50 में 50 अगर बी मारते हैं तो आपका इधर 5 से 7 नंबर बढ़ गया, और अगर इधर भी 20-25 नंबर से अगर आपका 5-7 नंबर बढ़ जाता है, ऐसे ही मारते हैं और बढ़ेगा। ये हम तरीका आप देखे हैं, हम अपने आप पे अप्लाई भी किए और नंबर भी बढ़ाए हैं, और यहाँ नहीं, सेट मार के नहीं, यहाँ जहाँ फाइनल एग्जाम होता है, जहाँ सेंटर दिया जाता है, वहाँ पर मारते हैं तो वहाँ भी सही हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरा नंबर पहले 60% या 65% नंबर आता था, लेकिन अब 70 से 75% नंबर सही हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है। तो आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट की बात करें 80% से ज़्यादा नंबर सही कर ही नहीं सकता है, ये आप एकदम डिसाइड रखिए कि 70-80% से ज़्यादा नंबर सही नहीं कर सकता है, और इससे ज़्यादा कोई सही करता है तो वो तो कह सकते हैं कि ऊपर लेवल का स्टूडेंट है, उससे टक्कर नहीं करना। और एग्ज़ाम भी यही कहता है कि आपको 100 में दिया गया है तो आप 80 नंबर बना सकते हैं, 20 नंबर ऐसा होता है जो आपको बनाना ही नहीं रहता है।
तो 20 नंबर आपको छोड़ के ही चलना होता है, लेकिन 80 नंबर आपको ऐसे भी कह रहे हैं कि आप 75 नंबर ला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं वहां तक आप पहुंच पाएंगे और आपका नंबर बहुत इंप्रूव कर जाएगा और आपका जॉब होने का चांसेस जो होता है बढ़ जाएगा। आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जब आपका नंबर 70 पहुंच जाता है, 70-75 पहुंच जाता है, उसके बाद आप बैठेंगे नहीं, तैयारी ही करते रहेंगे। कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपका गलत होता है वहां से आपको कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो जो कन्फ्यूजन रहता है वो इंप्रूव होगा। साथ में ये जो तुक्का मारने का तरीका बता रहे हैं सच्चाई है, ये तुक्का मारिएगा तो कहने की आपका 80 नंबर प्लस हो जाएगा, तो आप कंफर्म हो जाइएगा और आपका जॉब लगने का चांसेस यही होता है। और ये आपको बता दे कि सारा स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं ये तरीका अप्लाई करते ही करते हैं, एकदम 100% आपको बता दे, और आप भी सेट मारते होंगे या टॉपर भी सेट मारते हैं तो वो भी तुक्का मारते ही मारते हैं, कन्फ्यूजन उनको ही रहता है। एकदम 80 नंबर अगर ला रहे हैं तो 80 में से 80 सही नहीं मारते हैं, उनको भी कन्फ्यूजन होता है और सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं और सारे स्टूडेंट तुक्का मारते हैं। तो तुक्का मारने का सही यही तरीका है जो आपको हम बताए हैं, आप एक बार अप्लाई करके देखिए, एक बार नहीं दो बार नहीं अगर 10 सेट मारते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि 10 से 12 नंबर 15 नंबर जरूर बढ़ जाएगा, जहाँ से आपका इंप्रूव हो जाएगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही कन्फ्यूज रहते हैं। ये समझने में आपको 5 से 7 साल लग जाएगा और कंपटीशन में आप लड़ते रह जाएंगे। अगर ऐसे करेंगे तो जरूर एकदम आपसे हमें मेरा वादा है कि आपका नंबर जरूर बढ़ेगा। तो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन बताएं, जो आपका जॉब लेने का एक सपना होता है सारे स्टूडेंट का, वो सपना आपको पूरा होने वाला है। तो इसके लिए जरूर से जरूर सपोर्ट हमें भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमें भी इम्प्रूव मिल जाए, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें भी सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को इम्प्रूव करने में मदद कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।